गोरखपुर। गोरखपुर के बीआरडी हॉस्पिटल में हुई त्रासदी से राज्य ही नहीं देश की सरकार भी हिल गई है। चारों ओर से इस मुद्दे पर सरकार की आलोचना हो रही है, जिसके बाद सरकार भी बचाव की मुद्रा में आ गई है। यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ को भी अपने गोरखपुर दौरे पर आंसुओं का सहारा लेना पड़ा। जेपी नड्डा भी थे साथ। योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल प्रशासन से भी मुलाकात की और पीड़ित परिवारों से भी मिले। योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी गोरखपुर दौरे पर साथ आए थे। सीएम ने बताया कि ऑक्सीजन के कमी के कारण मौतें नहीं हुई हैं, लेकिन फिर भी लिक्विड ऑक्सीजन के दो टैंकर और 100 सेकेंड ज्यादा सिलेंडर मंगा लिए गए हैं। मीडिया को हड़काया योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से नाराजगी जताते हुए कहा कि कुछ तो शर्म करो। योगी ने कहा कि पत्रकार वार्ड के अंदर जाकर देखें कि हालात क्या हैं, जो सच्चाई है वो बताए, फर्जी रिपोर्टिंग नहीं चलेगी। सीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री खुद इस घटना से चिंतित हैं और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। 1996-97 सेकंड लड़ रहा हूं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वह साल 1996-97 सेकंड यह लड़ाई लड़ रहे हैं। जिन बच्चों ने अपनी जान गंवाई उनके लिए मुझसे ज्यादा संवेदनशील कोई नहीं हो सकता। मैं इंसेफलाइटिस के लिए सड़क से संसद तक लड़ा हूँ। इतना कहते हुए योगी भावुक भी हुए। योगी ने कहा कि उन्हें ऑक्सीजन कंपनी के बकाया के बारे में अस्पताल प्रशासन ने कोई जानकारी नहीं दी थी, जबकि उन्होंने 9 अगस्त को ही अस्पताल का दौरा किया था। मौत का कारण बीमारी और गंदगी। हादसे पर सफाई देते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बच्चों की मौत ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं बल्कि गंदगी और बीमारी से हुई है। फिलहाल मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जांच में दोषी पाए गए लोगों को बख्शा नहीं जाएगा।